आरबी की ऑफिशियल साइट खोलने के बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप यदि पहली बार रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं तो रिटर्न अकाउंट पर अपना अकाउंट बना लेंगे। यदि आपने पहले कोई लोको पायलट या वो SI RPF या टैक्सी का फॉर्म भरा है तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इस पर क्लिक कर देंगे क्योंकि आपने इस पर अकाउंट पहले से बन चुका है। तो इस पर क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल उसमें लॉगिन करने के लिए आप इसमें अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड और कैप्चा कोड इसमें फिल करने के बाद लॉगिन करेंगे। इस प्रकार आपका अकाउंट है जो ID पासवर्ड डाले थे उसमें लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगा। लॉगिन होने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद इस पर जो फॉर्म चल रहे हैं इसके रेलवे के, ये तीनों फॉर्म, इसमें एक ग्रेजुएशन वाला है, एक 10+2 वाला, एक टैक्सीन का, तीनों का इसमें फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपको अब क्या करना है, इसमें RRB सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर करना है, मतलब जिसका आप फॉर्म बनना चाहते हैं इसमें से उस पर आपको नेक्स्ट करना होगा। RRB सेलेक्ट करने के बाद और नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार, ये फॉर्म पहले से हम भर चुके थे, इस प्रकार इसमें डिटेल आ जाएंगी। इसमें सभी में इस डिटेल को आप चेक कर लेना, इसमें इंडियन हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी इसमें, और इसमें डेट ऑफ बर्थ होगी, 10th का रोल नंबर हो गया, और फुल नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, मेल हो गए, ईमेल ID होगी, मोबाइल नंबर हो गया इसमें, और मैरिट स्टेटस, अनमैरिड है तो अनमैरिड, अनमैरिड मैरिड करना है इसमें। इस प्रकार इसमें आपको पूरी डिटेल सब कुछ देख लेनी है। डिटेल चेक करने के बाद इसमें आपको यदि आप SC और ST में आते हैं तो इसमें कास्ट सर्टिफिकेट वो अपलोड करना होगा। इसमें पूरी उसकी डिटेल, SC और कास्ट कौन सी है, इशू मतलब स्टेट कौन से स्टेट से इशू कर सर्टिफिकेट बना है, इसमें सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट किस तारीख को आप बना हुआ था, कंप्लीट हुआ था, और आप नियर रेलवे स्टेशन मतलब आप कहाँ से रेलवे स्टेशन नियर पड़ता है उसमें कंप्लीट, इसमें डिटेल भरने के बाद इसमें कास्ट सर्टिफिकेट इसमें अपलोड कर देना है, जो कि PDF फाइल में 500 KB की होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम इसमें 500 KB, इससे कम का भी अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार इसमें ब्राउजर पर करने पर इसमें कास्ट जो सर्टिफिकेट था वो ब्राउजर में ऑन हो जाएगा और आपको वो वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेव कर लेना है, जिससे कि आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो जाए। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट था वहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली इस प्रकार वहाँ पर दिख जाएगा आपको। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद इसमें कुछ इस प्रकार वो डिटेल दे रखी है वो भरने लिए, इसमें अपने हिसाब से अकॉर्डिंग भरनी है, मतलब एक्स सर्विस मैन डिटेल इसमें भी भरनी है, UR एक्स सर्विस मैन यस या नो, उसमें तो आप हैं तो यस करना है, अन्यथा आपको नो करते हुए चले जाना है आगे। यहाँ पर नेम, करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल है, मतलब रेलवे में आप करंट में किसी में एम्प्लॉय हैं मतलब लगे हुए हैं तो उसमें डिटेल भर देनी है, अन्यथा आपको नॉट अवेलेबल करने देना है इसमें। फिर इसमें बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फी, मतलब आप इसमें पेपर देने के बाद जो हमारी फीस भरती है वो रिफंड होती है, उसमें आपको बैंक की डिटेल भरनी है। नेम और अकाउंट होल्डर, मतलब आप अपना नाम इसमें डालेंगे, अकाउंट नंबर लिख देंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर मतलब दो बार इसमें अकाउंट नंबर लिख दें, IFSC कोड लिख देंगे, नेम और बैंक, इसमें आप किस बैंक का अकाउंट है उसका नाम लिख देंगे, नए बैंक एड्रेस, मतलब ये सब कुछ, ये सभी डिटेल लिखने के बाद आपको सेव करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अदर डिटेल फिल करने के बाद, नेक्स्ट करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन डिटेल बननी है। फर्स्ट नंबर इसमें 10th क्लास की है वो पूरी डिटेल भर देनी है, कौन से स्टेट से आपने पास किया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया है, बोर्ड कौन सा है, रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन मतलब किस दिन को आपको रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, वो सब कुछ भरने के बाद इसमें अपनी अपनी उसकी डिग्री की मतलब
ग्रेजुएशन की डिटेल भर देनी है, इसमें क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इस प्रकार, और इसे कंप्लीट स्ट्रीम कौन सा है, स्टेट किससे की है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से की है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन इसमें इस प्रकार भर दे, कंप्लीट इसकी आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल भर जाएगी। डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑन कंप्यूटर, तो इसमें हमेशा यस ही कर देना है, नो करेंगे तो आप टाइपिंग नहीं दे सकेंगे, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसमें यस ही करना है आपको, इस प्रकार यस करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। इसमें आपकी पहली वाली डिटेल बन जाएगी क्वालिफिकेशन की, टेंथ की, फिर डिग्री की, मतलब आपकी ग्रेजुएशन किससे की है, वो वाली डिटेल बनने के बाद आपको यहाँ पर सेव, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन डिटेल आप फिल करने के बाद आपको अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट मतलब फ़ोटो और सिग्नेचर, ये आपको डिटेल भर देनी है, मतलब फ़ोटो अपलोड कर देना है। इसमें आपको बैकग्राउंड वाइट, जनरली वाइट बैकग्राउंड रख लेना है इसमें, और इसमें साइज दे रखा है इसमें 35 mm x 45 mm, या पिक्सल में आप 320 x 240 pixels, और आपका 6 months से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, और 40 की साइज है वो कि 30 KB से लेकर 70 KB तक अपलोड कर देना है। इस प्रकार यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड हो जाता है फ़ोटो। और सिग्नेचर के लिए आपको ब्लैक या ब्लू पेन से आप वाइट पेज पर सिग्नेचर करके, और उसकी साइज है 30 KB से 70 KB तक आप इस सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। इस प्रकार आप देखते हैं कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुके हैं। इस फोटो अपलोड होने के बाद आपको नेक्स्ट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको इसमें जो पोस्ट दे रखी हैं, जो अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छी लगती है आपके अनुसार, प्रीफरेंस फॉर एजिबल पोस्ट मतलब स्टेशन मास्टर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें जूनियर अकाउंटेंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इस प्रकार आपको क्रम वाइज इसमें सेलेक्ट कर देनी है, और उसके बाद आपको सेव करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। इस पर नेक्स्ट करने के बाद आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू मतलब इसमें आपकी संपूर्ण फॉर्म खुल जाएगा, उसकी डिटेल सब कुछ एक बार सही से चेक कर देनी है, आपका सब कुछ डिटेल्स संपूर्ण पूरी तरीके सही है, गलत तो नहीं होगी है, क्योंकि यहाँ पर आप एक बार चेक करके एडिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद इसमें एडिट नहीं होगा, तो इसलिए संपूर्ण जानकारी सही तरह से चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको सभी, इस प्रकार आपको सभी डिटेल चेक करने के बाद आप नीचे देखते हैं, आई हैव रीचेक्ड अबव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट, मतलब सभी डिटेल हमारी इसमें सही है, इस पर क्लिक करके टिक करके और सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करने के बाद इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते, यदि आपको कुछ लगता है कि कोई मिस्टेक रह गई है फॉर्म में, तो एडिट पर करके आप सभी करेक्शन या फिर जो डिटेल गलत फिल हो गई उसको सही कर सकते हैं, फिर इसको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार इसमें सबमिट पर क्लिक करते ही, जैसे ही करते हैं, तो एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, मतलब सबमिट करने के बाद आपका कोई भी करेक्शन नहीं होगा, इसलिए ये फाइनल सबमिट होता है, तो आप ध्यान से इसको सभी डिटेल चेक करके ही सबमिट करें। सबमिट करने के बाद इसमें आपका पेमेंट है उस पर चला जाएगा फॉर्म, इसमें पेमेंट में इसमें डिटेल हो जाएगी आपकी, और पे विद इस यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो इसमें कई ऑप्शन खुल जाते हैं, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, पे यूज कार्ड से कर सकते हैं, पे यूजिंग कार्ड HDFC डेबिट कार्ड सपोर्ट इधर, या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम अदर्स, या फिर अपने कार्ड है जैसे वीजा है, फोन पे है इससे के, और या नेट बैंकिंग आप यूज करते हैं उससे भी, किसी से भी आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा और पेमेंट भी हो जाएगा, फिर उसकी PDF बना के आप प्रिंट आउट या अपनी मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं।